तो इसी तरह से 13 फरवरी को शाम 7 बजे अंधेरा था मेरे गेट के पास, तो मेरे बाबूजी ड्यूटी निकल रहे थे इधर आने के लिए, गाड़ी बाहर खड़ा था, हेलमेट पहन के निकल रहे थे, तो देखे कि दरवाजे पे 3 आदमी मूत रहा है एकदम दरवाजे पे ही। तो पिताजी मना किए, तो वो लोग बोला कि हाँ मूतेगा, पूरा पिया हुआ था, ढक था, तो थोड़ा बहुत झगड़ा बस वस हुआ और उसके बाद मामला थोड़ा शांत भी हो गया। तो बाद में जो है अंदर से वो जो झाड़फूक करती हुई औरत निकली और बोली कि उसके साथ और 2 आदमी निकला, 2-3 आदमी, वो बोली कि इसको जान से मार तो मेरे पास बहुत पैसा है। उसके बाद मेरे बाबूजी का गाड़ी का टायर पकड़ के 2 आदमी हेलमेट उतार करके, अब कोई टंगली का जो पिछला हिस्सा होता है ना उससे वार किया, कम से कम 4 टाँका लगा है, 4। उसके बाद मेरा भाई जो है निकला, भाई को भी मारने की कोशिश किया लेकिन वो ये करके हड़बड़ा के तुरंत उसको पकड़ के अंदर घुसा करके और तुरंत गाड़ी में बैठा करके उसको, जैसे ही ब्लडिंग पूरा हो ही रहा था, जैसे नल खोलते हैं ना तो किस तरह से पानी का लाव होता है, हाँ ठीक वैसे ही प्रेशर पूरा फेंक रहा था, पूरा रो रहा था मैं भाई, तो आप ने पता नहीं बच पाएगा नहीं बच पाएगा, नहीं समझ में आ रहा था। उसके बाद जो है थाना ले गए, बड़ा बाबू 307 धारा लगा दिया, अब बोला कि सीधा सदर में चला गया, ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद जो है लेटर दिए, लेटर बना के दिए, लेटर बनाने के दिए, तो रात में जो है वो लोग जाना नहीं चाह रहा था पुलिस जितना थाना वाला, हम लोग बोले कि चलिए उसको अभी अरेस्ट कीजिए तुरंत, लेकिन वो जाना ही नहीं चाह रहा है, बोलता ठीक है अभी ड्राइवर नहीं बोलता है, जानते उल्टी हम ही लोग को बोल रहा है, बोलता अपने मार लिया होगा ये वो लन फन काय मारेगा, तुम उसको गाली दिया होगा इसीलिए मार दिया होगा, पैसा दे दिया था तुम्हारा, इतना जल्दी पैसा दे देगा, इतना जल्दी थोड़ी दे देगा, जल्दी नहीं दिया था उस समय, नहीं दिया था। उसके बाद रात में किसी तरह से घर गया हम लोग का, घर जाने के बाद जो है वो लोग क्या बोल दिया निकल के, पूरा हड़बड़ा के दरवाजा वजा फटका, निकल ही नहीं रहा था, लगभग 1:30 बजे गया था घर से, और निकलने के बाद वो लोग क्या बोल दिया कि इसको ना ये गाड़ी से गिर गया, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे बोल दिया थाना वाला, हाँ वो लोग आदमी सब जो मारा था बोल दिया कि इसका एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी से, उसका बात ना हम लोग से कुछ पैसा लिया, पैसा ले करके आया था, तो चलो ठीक है दे दूँ, देने के बाद क्या है कि खाली धमका दिया कि बाबू अगर कुछ होता है ना तो समझ लाइफ ख़राब कर देंगे, पुलिस वाला बोल गया और चला गया। दूसरा दिन में जो है वो लोग बिरंची नारायण, भोलू पासवान, अमर बावरी, मुकेश राय, जितना भी है सब का पैरवी करवा दिया, और अमर बावरी कहाँ का है, अमर बावरी को नहीं पहचान रहे हैं, चंदन क्यारी विधायक जो है, अच्छा चंदन क्यारी का जो है, अच्छा उसका मंत्री जो है उसका भी, हाँ हम लोग उन लोग हमको हम लोग हाँ बोलने लगा थाना वाला यार इतना पैरवी तो हम देखे नहीं पहले इससे पहले, हाँ तो क्या बोले, क्या बोले थाना वाला, क्या बोला, बोल रहा है कि देखिए आपका तो बना दिए हैं केस 307 बना दिए हैं, चलिए अब जब आ जाएगा उधर से ये ना नोटिस, उसको 3 बार नोटिस भेजेंगे और उसको अरेस्ट कर लेंगे, ऐसे बोला वो थाना वाला, लेकिन कुछ नहीं किया साला, जो हम लोग केस लिया था ना हमको लगता है पैसा खा लिया होगा, है उसका CGM जो है ना CGM के पास अग्रिम जमानत वो लोग करवा लिया, एंटीसिपेटरी बेल होता है ना वो करवा लिया, लेकिन वो दिया था लेकिन रिजेक्ट कर दिया CGM वाला, अब जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज के पास,
थाना वाला कहाँ बोल रहा है कि गवाह चाहिए, बिना गवाह के हम कुछ नहीं कर सकते। तो गवाह जो है, गवाह वाला हम उससे लगभग जानते हैं 15 से 17 हज़ार रुपया झूठों का फेंका दिया, पानी में फेंका। बोला क्या, हाँ आप भैया आप गवाह हम दे देंगे। थाना वाला बोला कि हम बगल का ही गवाह चाहिए। जानते हैं अगर हम बोले कि बगल वाले का गवाह कोई तैयार नहीं हो रहा है, फिर भी मनाए थे दोनों को। तो दोनों का किया, देखो बनाया बहुत बढ़िया से, ठीक ही। बोला कि आप अपना आयोग को बुलाइए जो केस देख रहा है आपका, नरेश होटल है ना साथ में, वहाँ बुलाए अपना आयोग को, नरेश होटल। हाँ बोले थाना से बाहर ही गवाही लेंगे। वो लोग कहा कि पहले ही पैसा ले लिया था। बोले बिना ही के हम लोग कहीं उधर नहीं ना, पहले पैसा ले लिया। और जब आयोग को बुला दिए, आयोग भी हम लोग पास भड़क गया, कहाँ तेरा आदमी झूठे बोल रहा है, हमको बुला दिया यहाँ है। वो लोग फोन स्विच ऑफ कर दिया, दो बार ऐसे किया, पैसा ले के साइड हो लिया। और वो हम लोग से जानते हैं और जानकारी ले रहा है, आपका वही है ना आयो जो ये कुमार ये नाम सब जानकारी ले रहा है। हाँ पता है, पता है। हाँ जानकारी लिया और साइड ले लिया, दशक दिया। अब जो है हम लोग जो है सदर में चाह रहे थे कि अपना जो मेडिकल रिपोर्ट है, कोई तो दम नहीं रहा, हम कोई गवाह हुआ कुछ नहीं, तो मेडिकल रिपोर्ट जो है उसको हम लोग ग्रीवियस बनाना चाह रहे थे। मतलब मरणानन स्थिति जिसको बोलते हैं, मतलब मरने की स्थिति में था, गड्ढा था पूरा यहीं पे माथे पे, और थोड़ा सा गड्ढा होता मर जाता है। लेकिन क्या बोल रहा है वो, हम लोग पैसा खिलाने का प्रयास कर, लेकिन वहाँ पे दे नहीं सकते उसको ना, सदर हॉस्पिटल में ऑफिस में पैसा दे नहीं सकते ना। अब किसी थर्ड पार्टी को हम लोग वहाँ सेट किए थे, थर्ड पार्टी वाला क्या बोल रहा है, वो भी पैसा ले लिया कम से कम 8,000 रुपया। बोले कि हाँ आपका जहाँ रिपोर्ट बन रहा है वहाँ पैसा दे देंगे। अब उस वाला पैसा दिया ही नहीं है उसको, वो भी पैसा खा गया। आप लोग गलत गलत काम किया, वकील को पकड़ना चाहिए। वकील इसका इतना ना मतलब कि पहुँच है सबको, जो हमारे तरफ से जो भी लड़ने का प्रयास कर रहा है ना उसको अपने तरफ कर ले रहा है। इसीलिए वकील को जो है हमारे बड़े बाबू एकदम साइड ई में किए हुए हैं, साइलेंट मतलब सीक्रेट रखे हैं। तो सीजीएम में, सीजीएम वाला जो है ना वहाँ से रिजेक्ट कर दिया उसका बेल। अच्छा एंटीसेप्टिक मांगा तो रिजेक्ट। हाँ रिजेक्ट हो गया उसका। पाँच टका या 15 टका हो, 5-10 का नोट।